ये कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चला है। आज हमें लाइफ कई रूप में देखने को मिलती हैं, एक ही जीव में कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, सांप और न जाने कितनी ही प्रजातियां जंगल में घूम रही हैं। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाले खौफनाक सांप तक आपको हर तरह के जीव देखने को मिलते हैं। खैर, बात केवल सांप की नहीं है, असल सवाल जीवों में इतनी वैरायटीज का है। सवाल है कि आखिर इतने तरह के जीव धरती पर कैसे पनप गए, पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं पनपा। जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो एवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन पर बात करने वाले हैं तो आपका गैस बिल्कुल गलत है। आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ। देखने के लिए उन्हें आँखें मिली और खुद की फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला, वो अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवों का साम्राज्य फैल गया। चार बिलियन साल पहले, ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर केवल खौलते लावा के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही लावा जल्द ही 9 मिलियन लिविंग स्पीशीज के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। राख से जीवन को जन्म देने के लिए कई घटनाएं होने वाली थीं, लेकिन इनमें सबसे पहला पड़ाव पानी था। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन ये पानी केमिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा था जिन पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना बाकी था। लाइटिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल एटम्स ने जुड़कर एक चेन बनाना शुरू किया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का ऐसे खतरनाक वातावरण में बचना हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहले सिंगल सेल ने पनपना तय किया था। पर अपनी फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल सेल कहां चुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेस और केमिकल इंस्ट्रक्शंस के चलते इस सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया। ये जीवन की पहली कड़ी थी जिसने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्लोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब ये सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया और मरीन एनिमल सब कुछ इसी से विकसित होने वाले थे। अपने क्लोन को बनाकर ये सिंगल सेल अब रिप्रोड्यूस करना सीख गए थे, जिसने धरती पर इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा दिए थे। 2 बिलियन साल तक रिप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल की पीढ़ियों ने खुद को ऐसे ही कायम रखा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव एक बाहरी बदलाव लेकर आया, जिसके तहत 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात थी कि इस मर्ज सेल ने भी अपने आप को कॉपी किया और इससे उत्पन्न होने वाले बाकी सेल्स ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाले सेल्स में एक की बजाय 2 सेल्स थे। अब ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते गए, अपने आप को कॉपी करते गए और म्यूटेट होते रहे। जैसे जैसे म्यूटेशंस बढ़ती रही, पुराने जीन्स डिलीट हुए और नई फॉर्मेशन हुई और नए सेल्स बने। सदियों तक होती इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और इनसे कई बिलियन प्रजातियों का विकास शुरू हुआ। पानी के अंदर चल रही इस फॉर्मेशन से वहां कई प्रजातियां पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे वो थे 3 इंच लंबे वाटर वर्म। पानी के अंदर क्या आप इस जीव को देख सकते हैं? दरअसल ये हम हैं। आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले, ये वो समय था जब म्यूटेशंस के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद प्रजनन की प्रक्रिया से अपनी संख्या बढ़ाना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीन्स को रिप्रोड्यूस कर सकें। इस दौर में अपने लिए साथी को ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि मादा को पहचानने के लिए वाटर वर्म के पास ना तो आंखें थी और ना ही कोई दूसरा फीचर। ऐसे में समुद्र के काले अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन इसको सुलझाना भी कुदरत को बहुत अच्छे से आता था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अद्भुत और अनोखा आविष्कार दुनिया में आया। हम बात कर रहे हैं
आंखों की, जिसने वाटर वर्म को पानी के अंदर अपने पार्टनर को देखने और ढूंढ निकालने की ताकत दी। इस अविष्कार के लिए सबसे पहले वाटर वर्म के कुछ स्किन सेल्स म्यूटेट हुए। अब ये जीव अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते थे, अपने लिए ज्यादा शिकार ढूंढ सकते थे और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का भी चयन कर सकते थे। इस तरह से वाटर वर्म ज्यादा समय के लिए जी सकते थे। लेकिन यही काफी नहीं था, वक्त के साथ साथ सेल्स में नई म्यूटेशन होने लगी, जिससे सभी जीवों में आंखों का विकास हुआ। आंखों के विकास के साथ ही पानी के नीचे जीव अब सब कुछ देख पाए। हैरानी की बात थी कि इन सब की शुरुआत केवल एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसकी बदौलत एक मरीन वर्ल्ड का विकास हो गया था। लेकिन आसपास की दुनिया को समझना भी जरूरी था, इसलिए आंखों के पीछे मौजूद नर्व सेल्स ने आपस में इकट्ठा होना शुरू किया। शुरुआत में ये ऑर्गन बेहद छोटा था, लेकिन वक्त के साथ ये जीवों के शरीर का सबसे जरूरी और रहस्यमय हिस्सा बन गया। हम बात कर रहे हैं दिमाग की। जी हाँ दोस्तों, 521 मिलियन साल पहले जीवों में आंखों के बाद दिमाग का ही विकास हुआ। दुनिया में पहले दिमाग के विकास के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। आपको बता दें कि इस ऑर्गन का विकास तब हुआ था जब हम समुन्द्र में मछली के रूप में मौजूद थे, और ये मछली थी फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश। मछली में विकसित पहला दिमाग आसान फैसले लेने के लिए विकसित हुआ था। इस स्तर पर दिमाग आम जानकारी को प्रोसेस कर सकता था, लेकिन खुद को खतरों से बचाने के लिए रणनीति बनाने में सक्षम नहीं था। पानी में फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश को कई खतरों से बचकर रहने की जरूरत थी, वरना इसकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती थी। इसी खतरे से बचने के लिए 400 मिलियन साल पहले जेनेटिक चेंजेस की वजह से मछली की त्वचा पहले के मुकाबले सख्त होनी शुरू हो गई। खुद को खतरों से बचाने के लिए इन जीवों में दांत और जबड़ों का भी विकास शुरू हुआ, जिसका मतलब था कि अब ये मछली ज्यादा भोजन खा सकती थी, अपने लिए शिकार कर सकती थी। एक मजबूत शरीर के साथ 375 मिलियन साल पहले मछली में कई फीचर्स विकसित हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये आराम से किसी भी शिकार को पकड़ सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन इसके लिए काफी नहीं था। ऑक्सीजन की कमी से पानी के अंदर इसका ज्यादा समय तक सर्वाइव कर पाना आसान नहीं था। इसके अलावा वहां मौजूद टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि वहां भोजन की कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन जीवन के लिए मेन इंग्रेडिएंट था, जिसे पाने के लिए इन्हें कुछ बेहद ही बड़ा करना जरूरी था। दोस्तों, कुदरत का नियम तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी पाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। इस मछली ने भी यही किया। ऑक्सीजन के लिए फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश पानी की सतह पर आई और इसने ऑक्सीजन लेना शुरू किया। शरीर में ऑक्सीजन के ट्रेवल होने की वजह से धीरे धीरे लंग्स का विकास हुआ। लंग्स के विकास के साथ ही पानी में एक नई प्रजाति पनपी, जिन्हें नाम दिया गया इस्थियोस्थेगा। इस्थियोस्थेगा असल में हम ही थे, और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए हम लंग्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। आज हमारे पास गिल्स नहीं है, लेकिन दोनों स्थिति में सांस लेने का मैकेनिज्म हमें आता है। पानी में रहते हुए इस थियोस्थेगा को काफी समय हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ इनका खिंचाव ज्यादा था। 365 मिलियन साल पहले वो समय भी आया जब हमने अपना सर पानी से बाहर निकाला और हमारे सामने मौजूद जमीन की तरफ बढ़ने लगे। ये जगह हमारे लिए अनजान थी, लेकिन दिलचस्प भी। पानी के बाहर आकर हम इतिहास का रुख बदलने वाले थे और जमीन पर उस जीवन की शुरुआत करने वाले थे जो पृथ्वी का इतिहास बदलने वाली थी। फिर वो पल भी आया जब हम पानी से बाहर आए। इस इस्थियोस्थेगा ही वो पहले जीव थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, जमीन पर आने की कीमत भी इन्हें चुकानी थी। इनकी नर्म त्वचा सूरज की रोशनी झेलने के लिए नहीं बनी थी, इसलिए जमीन पर इनका विलुप्त होना पक्का था। लेकिन कुदरत इन्हें आसानी से खत्म होने देना नहीं चाहती थी। फिर वो दौर भी आया जब इन जीवों ने धीरे धीरे इस वातावरण में अडॉप्ट करना सीखा। सूरज की रोशनी से बचने के लिए धीरे धीरे इनकी त्वचा सख्त होती चली गई। 340 मिलियन साल पहले हम इस्थियोस्थेगा से कैसिनेरिया में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हमें मोटी चमड़ी और पंजों का निर्माण हुआ, ताकि हम जमीन की सख्त सतह पर चलने के काबिल हो सकें। धीरे धीरे हमने अपने आप को जमीन के हिसाब से ढाला, लेकिन तपती धूप में अंडों का बचना मुश्किल था।
प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी प्रक्रिया जमीन पर किसी काम की नहीं थी। ऐसे में यहाँ कैसिनेरिया ने प्रजनन की एक नई प्रक्रिया को चुना जो आज भी कायम है। आज भी सभी जीव इस प्रक्रिया से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सेक्स कहते हैं। यहीं से जीवों में सेक्स की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे एक हार्ड शेल्स के अंदर पैदा हो सकें। ये एवोल्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसकी वजह से जमीन पर जीवन एक नए सिरे से शुरू हुआ। धरती पर रेप्टाइल्स वो पहले जीव थे जिन्होंने अंडे देने शुरू किए। अंडे देने की वजह से हमें नए बेबीज में जेनेटिक वैरायटी देखने को मिली। इस वैरायटी ने हमारी प्रजाति को मरने नहीं दिया। आपको बता दें कि कैसिनेरिया वो पहले जीव थे जो पूरी तरह से जमीनी सतह पर रहने के लिए एडॉप्ट हुए और इनके बच्चे भी ऐसे वातावरण में आसानी से एडॉप्ट हो गए। ये जीव पृथ्वी के खुले वातावरण में सांस ले सकते थे, चल सकते थे और खुद के वजन को भी संभाल सकते थे। लेकिन एवोल्यूशन की कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, अभी इसके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। ये समय रुकने का नहीं था बल्कि एक ऐसे लाइफ को फॉर्म करने का था जो आगे चलकर पूरे अर्थ को डोमिनेट करने वाला था। ये सब कैसे होने वाला था? आखिर अब कौन से ऑर्गन्स डेवलप होने वाले थे और एवोल्यूशन की होड़ में अब कौन से जानवरों का एवोल्यूशन होना बाकी था? अगर मैं ये सब इसी वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट टू भी जरूर बना दूंगा, इसलिए अगर आप चाहें तो कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।